कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार विभिन्न वार्डों एवं मोहल्लों में सैनिटाइज किया जा रहा है। इस दौरान सैनिटाइजर की मात्रा को बढ़ाने के लिए नगर निगम ने जलकल के पानी के टैंक में सैनिटाइजर भरकर उसके द्वारा टैंक के ऊपर पाइप और झरने की टोटी लगाकर सड़कों पर सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंचार्ज मन्नू ने कहा, टेम्प्रेरी मशीन एक बनाया गया इमरजेंसी में, जो चूँकि सामान वगैरह मिल नहीं रहा था, स्टोर वगैरह पे जो सामान थे और थोड़ा मोटा जो मिल गए हैं उसी से बनवाया गया है। ये क्या करा रहे हैं? ये सैनिटाइज हो रहा है, ये सड़कों पे होगा, सड़कों पे ही होगा, मेन सड़कों पे जहाँ तक ये बड़ी गाड़ी जा सके उसी में। कितना टंकी पानी होगा इसमें? 4,000 लीटर है। 4,000 चलेगा ये? एक घंटे से सवा घंटा चलेगा लमसम। क्या मकसद है इस तरह का सड़क पे? सैनिटाइजर के लिए, ताकि रोकथाम, इसी के कोरोना वायरस में रोकथाम के लिए। जी, क्या नाम आपका? जी मन्नू, मेरा नाम है।